नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। हरियाणा के शहर पानीपत के बेटे अमित ओम मलिक जल्द ही आपको करण जौहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर श्रॉफ के साथ उनके बेस्ट फ्रेंड के किरदार में दिखेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद वैष्णो ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि पानीपत से बॉलीवुड तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन अगर मेहनत करे तो आदमी जरूर सफल होता है। जो हरियाणा में सिलेक्ट हुआ, तो आफ्टर दैट मुझे मुंबई बुलाया गया ऑडिशन के लिए, तो मुंबई फिर मैं सिलेक्ट हुआ। तो उसका मिस्टर कंजुअलिटी टॉप मॉडल इंडिया फर्स्ट रनर जो मैम रजनी सुबह करा दिया है। तो उसके बाद फिर ऑडिशन चल रहे थे, ये ऑडिशन करी मैंने 5 जनवरी को दिया था। तो उसके बाद मैंने इसके 3 ऑडिशन दिए थे। आफ्टर दैट मैं लास्ट में फर्स्ट को लाइक यू आर सिलेक्टेड। तो इस तो आप अपने किरदार के बारे में बताएं कि किरदार में आपका क्या नाम है, और पहले किरदार के बारे में आप बताएं बिल्कुल क्या किरदार है। मैं टाइगर सर के साथ उनका दोस्त बना हुआ इस मूवी में। और क्या नाम है उसमें आपका? मेरा नाम नीरज चौधरी है। और किरदार वही है, मैं जहाँ भी हम फंसते हैं टाइगर भाई में आते हैं बचाने। बाकी अगर आप पूरी स्टोरी मैं बता दूँ तो आप देखोगे क्या। तो दूसरा आप ये बताएं कि जो आपका किरदार है, अक्सर देखा गया कि दोस्त पिटते पिटते रहते हैं और एक हीरो जो वो बचाता रहता है, तो अंत में दोस्त का क्या हुआ, नेवर का क्या हुआ, कहाँ पहुँचते दोनों? सर ये जो मूवी है ना, ये पूरी दोस्ती के ऊपर है कि दोस्त कैसे कहाँ तक साथ देते हैं, टीम वर्क कैसा होता है। तो आप जब देखोगे तो, क्योंकि इसके अंदर अब इसके 5 दोस्त हैं, जो हमारा पूरा टीम वर्क दिखाया गया है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कैसे हम अपने जो हमारे मैचेस हैं कैसे हम जीतते हैं, हमारी लड़ाई हो रही है कैसे हम वहाँ जीतते हैं। इट इज़ लाइक टू बी पूरी की पूरी हमारी दोस्ती के ही ऊपर मूवी है। तो इसमें क्या कोई अफेयर तो दिखाया जाता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये अफेयर भी है जो इसमें टाइगर भाई का अफेयर है पूरा, तो वो भी आप वही देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको कोई और फिल्म प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम कर रहे हैं, कोई एड एजेंसी जो जिसमें आप काम कर? हाँ सर, मेरी अभी वेब सीरीज आएगी जिसकी शूटिंग मार्च में स्टार्ट होगी। ये अपनी दिल्ली की जो निर्भय रेप कांड हुआ था उसके ऊपर ही आएगी सर वेब सीरीज। अभी उसके अंदर जो मेरा किरदार है वो निर्भय के बॉयफ्रेंड का बना है, तो उसकी शूटिंग मार्च में स्टार्ट होगी। आप हरियाणा से आते हैं और अभी हरियाणा सरकार ने फिल्म नीति अभी लागू की है। हाँ जी जी। तो कुछ हरियाणा के कलाकारों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सर मैं संदेश क्या, मैं तो खुद जैसे कि हमारे रणदीप सर हैं, आप उनको देख सकते हैं, इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लाइक हम इज़ अ वेरी गुड इंस्पिरेशन। आप किसी भी मूवी में देखेंगे उनका अलग अलग किरदार है, हमें खुद उनसे बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो इज़ लाइक हरियाणा। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो क्या बॉलीवुड का सफ़र आसान है युवकों के लिए? आसान तो नहीं, थोड़ा स्ट्रगल है पर हो जाएगा।